गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टेल यू हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस यूजिंग इन्फिनिटिव, जीरंड एंड फ्रेज इन अपोजिशन। यानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल सेंटेंस किसको यूज़ करके, इन्फिनिटिव का, जीरंड का और फ्रेज इन अपोजिशन यूज़ करके आप सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे। ठीक है, पार्टिसिपल से इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी कि पार्टिसिपल का यूज़ करके आप सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे एग्ज़ाम में। यानी बनाना क्या है आपको, सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, क्या यूज़ करके, अगर ब्रैकेट में दे रखा होता है कि आप इन्फिनिटिव का यूज़ करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग करोगे। अगर वहाँ कुछ नहीं दे रखा है, केवल यानी ओनली आपको लिखना है कि सिंपल बनाना है, अब आप किसी का भी यूज़ करके बना सकते हो, पार्टिसिपल का, इन्फिनेटिव, जीरंड या फिर फ्रेज इन अपोजिशन या फिर प्रीपोजिशन का भी यूज़ करके, तब तो आपके पास चॉइस है कि आप किसी का भी जो इजी लग रहा है आप बना सकते हो। लेकिन अब वहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि ब्रैकेट में दे दिया कि जीरंड का यूज़ करना है, इन्फिनेटिव करना है या पार्टिसिपल, तो आप उसी का यूज़ करोगे। वैसे मोस्टली तो यही आता है कि एग्ज़ाम में होता है कि मेक सिंपल लिखा होगा। अब ये आपकी चॉइस है, जिससे इजी लग रहा है आप उसको बना सकते। पार्टिसिपल का हम बता चुके हैं, अब नेक्स्ट आज अभी हम बताएंगे आपको इन्फिनेटिव का, जीरंड का और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके आप सिंपल सेंटेंस यानी दो सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे। ठीक है, तो द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, ही वॉन्टेड टू बाय सम टॉयज, ही वेंट टू मार्केट। दो सेंटेंस हैं, ही वॉन्टेड टू बाई सम टॉयस फुल स्टॉप, ही वेंट टू मार्केट। अब हमें इसको सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने का क्या पैटर्न बताया था, यानी आपकी मेन वर्ब एक रहनी चाहिए। ठीक है, मेन वर्ब यानी वॉन्टेड है या फिर वेंट है, इन दोनों में से एक वर्ब आ नहीं है, दोनों आ गई तो ये एक सेंटेंस नहीं होगा, यानी हम इस सेंटेंस को सिंपल नहीं बोल सकते हैं। अब ये क्या यूज़ करके बनाएंगे, मैंने आपको हेडिंग में बताया था, ही वॉन्टेड टू बाई सम टॉयज, सम टॉयज यानी वो खरीदना चाहता है कुछ टॉयज, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। अब इसको एक में कन्वर्ट कर देंगे, यानी सिंपल बनाने के लिए, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया क्या करने के लिए, टू बाई सम टॉयज। अब ये टू बाई क्या हो गया, अब कहें वॉन्टेड हटा दिया हमने, टू बाई, तो ये टू बाई यहाँ पर हो गया, टू का यूज़ किया है, तो इट मीन्स इट इज़ द यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। हमने किसका यूज़ किया, ये मैंने आपको रूल्स दे दिए हैं, इन्फिनेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने अगर टू ऐड किया तो ये आपकी वर्ब नहीं रही, क्या हो गया, इन्फिनेटिव का यूज़ हो गया और सेंटेंस आपका सिंपल बन गया। अब देखिए सेंटेंस, ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम टॉयज, हो गया सिंपल सेंटेंस, सिंपल में चेंज हो गया ये आपका। अब देखिए यहाँ पर दो नहीं है, ये टू बाय क्या हो गया, टू बाई यहाँ पर है आपका, इन्फिनेटिव हो गया ये आपका। नेक्स्ट सेंटेंस इज, सेकेंड सेंटेंस, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, सेकेंड सेंटेंस इज हियर, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मैं बहुत शौकीन हूँ किसका, स्वीट्स का, मिठाइयों का। आई विल ईट देम, मैं उन्हें खाऊँगा या खाऊंगा, खाऊंगी, जो भी है। अब इसको एक सेंटेंस में हमें सिंपल बनाना है, यानी एक वर्ब यूज़ करना, आई एम। अब इसका यूज़ मैंने आपको रूल्स भी दिए हैं, रूल्स में है वेरी जहाँ पर आए, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई विल, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, उसकी जगह पर डबल टू यानी टी ओ ओ और ये वाला टू का यूज़ करके, ये सेंटेंस जो है, ये वाला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने रूल्स में दे रखा है, तो इसको टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख सकते हो आप, क्योंकि मोस्टली ऐसे सेंटेंस एग्ज़ाम में ही आते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस इसमें क्या करते हैं, हम वेरी को किस में चेंज करेंगे, टी डबल ओ टू में, और आगे जो आगे का सेंटेंस है, यानी दो सेंटेंस में जो आगे का, उससे वर्ब से पहले आप टू लगा दोगे। क्लियर, पहले सेंटेंस में वेरी को किस में चेंज करना है, टी डबल ओ, दूसरे सेंटेंस की वर्ब से पहले टू आ जाएगा। अब कैसे है आएगा, देखिए, आई एम टू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, वेरी की जगह पर क्या किया, टू आ गया, आगे सेंटेंस सेम है, नेक्स्ट सेंटेंस का वर्ब है ईट, उससे पहले आपने टी ओ टू लगा दिया, इट मीन्स ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, पहले वेरी का क्या किया,
टी में टी ओ ओ में कन्वर्ट कर दिया। तो इस रूल को आप इम्पोर्टेंट लिख के अपनी उसमें जो भी नो मैंने आपको रूल्स दिए हैं उस पर इम्पोर्टेंट लिखोगे और ये वाला रूल्स आप अच्छे से लर्न कर लोगे कि क्या करते हैं इसमें, वेरी को किस में चेंज करना है और लास्ट वाली वर्ब को उससे पहले आपको क्या बनाना, इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3, आई प्ले ऑल गेम्स फुल स्टॉप, यानी एक सेंटेंस, आई डू नॉट प्ले हॉकी, आई प्ले ऑल गेम्स, मैं सारे गेम खेलता हूँ, आई डू नॉट, मैं क्या नहीं खेलता हूँ, हॉकी नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, सारे गेम्स खेलता हूँ लेकिन एक नहीं खेल रहा है। अब इसको हम चेंज करेंगे, आपके इसी में था प्रीपोजिशन का यूज़ करके, आई प्ले ऑल गेम्स, मैं सारे गेम खेलता हूँ, आगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मीन्स क्या है, अलावा, अतिरिक्त, हॉकी के अलावा, यानी हॉकी नहीं खेलता, एक्सेप्ट हॉकी, यानी यहाँ पर ये किसका यूज़ करके किया है हमने, यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ किया है, प्रीपोजिशन का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना, ये मैंने आपको रूल्स में दे रखा है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4, माई फादर हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज ऑफ लॉटरी, मेरे फादर ने क्या जीता है, लॉटरी का फर्स्ट प्राइज, ही इज़ वेरी हैप्पी, और वो बहुत ही खुश हैं, ही इज़ वेरी हैप्पी। अब इसमें हमने ये था आपका जीरंड का यूज कैसे करना है, ये हमने आपको रूल्स में दिया था। जीरंड में भी क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से पहले आईएनजी, लेकिन उससे पहले ऑन वगैरह यानी प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, माई फादर हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज लॉटरी, ही इज़ वेरी हैप्पी, ऑन विनिंग क्या किया, वन तो यहाँ पास्ट फॉर्म हो गई इसकी, यानी वर्ब से पहले आईएनजी और या फिर कोई प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन लगा दिया हमने, ऑन विनिंग, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, वनिंग नहीं हो जाएगा, विनिंग होगा, ठीक है, ऑन विनिंग फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज जीतने पर, लॉटरी का फर्स्ट प्राइज जीतने की वजह से माई फादर इज़ वेरी हैप्पी, आगे हो गया ही की जगह पर फादर आ गया, माई फादर इज़ वेरी हैप्पी। तो हमने क्या कर दिया, इसको वन को किस में चेंज कर दिया, इसको वन को किस में चेंज किया है, ऑन विनिंग, जीरंड का यूज किया है यहाँ पर, जीरंड का यूज करके, और ऑन विनिंग फर्स्ट प्राइज ऑफ लॉटरी, जीत लॉटरी का फर्स्ट प्राइज जीतने की वजह से उसके फादर यानी मेरे फादर बहुत खुश हैं, ठीक है। अब ये यहाँ आपका कोई वर्ब नहीं रहा, ये जीरंड हो गया, और नेक्स्ट एक है मेन वर्ब सिर्फ, तो आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस लास्ट, मरीना इज अ फोटोग्राफर, मरीना क्या है, एक फोटोग्राफर है, शी इज वेरी ऑनेस्ट आर्टिस्ट, और क्या है वह, एक ऑनेस्ट यानी ईमानदार आर्टिस्ट है, कलाकार है। अब ये हमने बताया था फ्रेज इन अपोजिशन का, शेक्सपियर वाले कई एग्जांपल्स भी दिए हैं रूल्स में आपको, और इसका हमने शेक्सपियर वाला भी दिया था और भी हैं, यानी एक ही नाम को यानी उसके कई सारे, मरीना एक नाउन हो गया, साथ में वो क्या है, एक फोटोग्राफर भी है, तो फिर हम कॉमा लगा देते हैं, यानी उसी को क्वालिफाई किया है, उसकी क्वालिटी ही बताई है इसमें, तो हमने क्या कर दिया, मरीना के बाद कॉमा, ए फोटोग्राफर, तो ये फोटोग्राफर किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ, मरीना के लिए। आगे अब एक वर्ब आएगा, अब लगाया हमने यहाँ पर इज़ वेरी ऑनेस्ट आर्टिस्ट, मरीना जो क्या है, एक फोटोग्राफर भी है, एक वेरी ऑनेस्ट आर्टिस्ट है, बहुत ही ईमानदार आर्टिस्ट है, ठीक है, ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा सिंपल में कैसे कन्वर्ट करना है, बाकी का आप जब रूल्स अच्छे से लर्न करोगे समझोगे तो आप समझ सकते हो, क्लियर।